हिंदी लैंग्वेज ना? हाँ हिंदी लैंग्वेज की बुक निकालिए। हाँ यस मैम। मैम 2 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है। हेलो। हाँ निकाल लिए। मैम तो हम लोग ने अभी तक कहाँ तक पढ़ चुका है लैंग्वेज में बताओ। शब्बीर कहाँ देखो तक टेंशन पढ़े हैं में हूँ लैंग्वेज करो। मैम। फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना था। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। थर्ड चैप्टर हो गया है। उसमें यस मैम, यस मैम। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक्सरसाइज भी हो गई होगी। हाँ यस मैम, बताओ। चलो यस मैम। हो गया ठीक है। चैप्टर फोर स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैम। चैप्टर फोर हमारा बर्तन। चैप्टर फोर भी हो गया है। क्यों नो मैम। चैप्टर। हाँ नहीं हुआ है। चैप्टर फोर स्टार्ट है करते हैं। है इसमें है कि वर्तनी की अशुद्धियां। मतलब कोई शब्द हम जब लिखते हैं तो क्या होता है। कभी हम क्या गलत लिख देते हैं। मात्राएं गलत हो जाती हैं। ठीक है तो शब्द गलत हो जाते हैं। क्या लिखना चाहिए क्या लिख देते हैं। तो यही है कि वर्तनी की अशुद्धियां कैसे होती हैं। ठीक स्टार्ट करें। देखो पहला है कि क्यों होती वर्तनी की अशुद्धियां क्यों होती। ये पहले बताया गया है कि हिंदी भाषा में जैसे शब्दों को बोला जाता है। हिंदी भाषा में हम लोग क्या करते हैं शब्दों को बोलते हैं। वैसे लिखित रूप में उसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे हम मुंह से बोलते हैं तो उसको हम लिखते भी हैं। ठीक है। यहाँ दृष्टिगत होता यस है या मैम, देखने योग्य होता है कि अज्ञानता के कारण या गलत अभ्यास के कारण वर्तनी में त्रुटियां व्याप्त हो जाती है। क्या होता है कभी कभी कोई शब्द को हमें कैसे बोलना है तो उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहता है। और कोई शब्द होता है कभी कभी हम लिखने में मिस्टेक करते हैं। तो यहीं पे यही बताया जा रहा है कि इन्हीं की त्रुटियां हो जाती हैं जिसे वर्तनी की अशुद्धियां कहा जाता है। शब्दों को लिखने या उच्चारित करने के लिए अक्षरों के निर्धारित क्रम को ही वर्तनी कहते हैं। व्याकरणिक दृष्टि से लिखने या बोलने के ठीक शब्दों के रचना क्रम को वर्तनी कहा जाता है। ठीक है ये तो बता दिया गया है वर्तनी किसे कहा जाता है। फिर उसके बाद है कि जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वर्तनी इस प्रकार यदि अक्षरों को क्रम आगे पीछे हो जाए एवं मात्रा ज्यादा या कम हो जाए तो वर्तनी में अशुद्धियां स्वयं व्याप्त हो जाती। मतलब उसमें खुद ही समावेश हो जाती हैं। ठीक जैसे अब यहाँ पे लिखा था यस एक है अशुद्ध कि तुम्हारे लिखा है यहाँ पे कि तुम्हारे घर का नाम गणेश भवन है तो लेकिन यहां पे क्या है। क्या ये सही लिखा है बताओ। ये सही है नो मैम, नो ये मैम। क्या है। गलत है। तो यहां पे क्या हो जाएगा गणेश भवन। ठीक गणेश, है। तो इसी तरह क्या होता है वर्तनी में यस मैम। अशुद्धियां पाई जाती हैं।
ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कितने प्रकार से होती हैं? पहली है, इनके प्रकार हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? दिख रहा है, पहली होती है यस मैम वर्ण संबंधी, सेकंड होती, दिख रहा है ना सबको? यस मैम। वर्ण संबंधी, दूसरी होती है हमारी प्रत्यय संबंधी, थर्ड होती है हमारी संधि, फोर्थ है समास और फिफ्थ है हमारा अनुस्वार। और चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां, ठीक। वर्ण संबंधी दिख रहा है, प्रत्यय यस मैम, फिर संधि और समास अनुस्वार। देखो फर्स्ट में वर्ण में क्या होगा हम बताते चल रहे हैं, पहले में की भाषा की वर्ण में क्या होता है हमारा अक्षर, जानते हो अक्षर को ही वर्ण कहा जाता है, तो उसमें कभी कभी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। जैसे भाषा की पूर्ण जानकारी ना होने के कारण प्रायः लोग सही शब्दों की वर्तनी अशुद्ध रूप में करते हैं। क्या है कि जब हमें किसी भाषा का ज्ञान नहीं रहता है कि ये कैसे लिखा जाएगा, तब हमसे वहां पे गलतियां होती हैं। जिन शब्दों की वर्तनी करते समय भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, अक्षर है, में त्रुटि दृष्टिगत होती है, वहां वर्ण संबंधी अशुद्धि पाई जाती है। जैसे वर्ण में कैसे, इसमें एग्जांपल हम एक एक बताते चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आ जाएगा ये, जैसे लिखा है परीक्षा, क्या ये सही है? नो मैम। क्या ये सही है? नो मैम। ये सही नहीं है ना, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है, ठीक। ये सही है, ये सही है ना, तो परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। इसी तरह है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, मात्रा की गलती हो रही है, छोटी बड़ी की मात्रा में गलती हो रही है कि कहाँ पे लगेगा, ठीक। उसके बाद सेकंड है हमारा, समझ गए वर्ण में क्या होगा, प्रत्यय में क्या होता है, व्याकरण की अज्ञानता के कारण प्रत्यय लगाने पर भी प्रायः लोग अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं। इसमें भी वर्ण का ही प्रत्यय में, प्रत्यय क्या होता है आगे उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाए ना,
उपसर्ग मतलब आगे मिश्रित जो प्रत्यय होता है पीछे, तो प्रत्यय के संबंधी, तो इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज होता है। कैसे, यहाँ पे लिखिए कि अलग अलग आप लोगों को बताते चले, अलग बताते चलते, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ना। वर्ण में क्या था, वर्ण संबंधी में जैसे परीक्षा थी, इसमें छोटी yes, बड़ी की मात्रा में मिस्टेक है। यस मैम। पहला है आपका, दूसरा प्रत्यय, इसमें क्या होगा, जैसे लिखा है जैसे लिखा है आपका सामाजिक, क्या ये सही है, ये सही है बताओ। सही नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक, ठीक, सामाजिक ऐसे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद है थर्ड आपका संधि संबंधी, इसमें क्या होता है कि दो शब्दों के योग से, जो दो शब्द मिलके बनते हैं, योग से बने शब्दों को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, पर ये जान लो कि दो शब्दों के योग से बने हुए को संधि कहते हैं, परंतु ठीक प्रकार से संधि शब्द के ज्ञान ना होने के कारण वर्तनी संबंधी अशुद्धि पाई जाती है। जैसे हम बोलते क्या है, संधि क्या, हम शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं और बोला क्या जाता है, ठीक है। जैसे होता है, जैसे होता है यहाँ पे सन्मत, क्या हम लोग सन्मत बोलते हैं बताओ, सन्मत बोलते हैं नहीं, हम लोग बोलते हैं सम्मत, ठीक है। तो ये सन्मत शब्द नहीं बोला जाता है, हम लोग क्या करते हैं, सम्मत बोला जाता है, ठीक। तो ये हो गई संधि संबंधी, जो दो शब्दों के योग से मिलकर बनी होती हैं, ठीक। फिर लास्ट थर्ड फोर्थ हमारा समास, समास जानते हो, ठीक है। समास संबंधी में क्या होगा मिस्टेक, जैसे इसमें क्या होता है, छह प्रकार के होते हैं ना समास जो पढ़ाए थे, इसमें भी दो शब्दों का ही योग होता है। जैसे व्यक्ति प्रायः अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए चलतुर शब्द का प्रयोग करने लगता है, क्या ऐसे हम अपनी जो भावना अंदर की होती है तो हम किसी भी शब्दों का ऐसे ही प्रयोग नहीं कर सकते, तो जिन शब्दों में समास संबंधी अशुद्धियां वर्तनी दिखती है उनमें कुछ होता है, इसमें समास का प्रयोग होता है। जैसे राजापद, क्या राजापद बोला जाता है हम लोग, हम लोग राजापद बोलते हैं, नो मैम, क्या बोलते हैं हम लोग, राजपथ, राजपथ बोला जाता है। तो ये क्या है, समास संबंधी अशुद्धियां पाई गई है इसमें, ठीक। और लास्ट हमारा फिर क्या है, अनुस्वार, अनुस्वार और ये तो समझ में ही आ रहा है देख के ही, ठीक है। अनुस्वार जो हम लोग अंकी बिंदी और जो उसका प्रयोग करते हैं, ठीक। यस मैम,
जिसमें अंक की बिंदी का प्रयोग करते हैं वह अनुस्वार और चंद्र बिंदु जैसे हो जाएगा आप लोगों का, दिख रहा है? यस मैम। जैसे इसमें है चांद, नहीं पहला अनुस्वार का बता दे आप लोगों को, जैसे है आंगन, आंगन होता है क्या होता है? आंगन होता है, ठीक है। यस, चंद्रबिंदु की जगह मैम अनुस्वार होगा। हाँ, और चंद्रबिंदु का जैसे चांद, क्या चांद लिखते हैं? नो मैम। बताओ। नो मैम, क्या लिखा जाता है? चांद मैम, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु को चांद, ये क्या होगा? चांद। तो समझ में आया? इतने क्या होता है जो ये लिखा है आप लोगों का, ये हमारा क्या है? ये हमें आ रहा है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां है, पांच प्रकार की होती है, वर्ण, प्रत्यय, संधि, समास, अनुस्वार और चंद्रबिंदु। वर्ण में बता दिया जिसमें मात्राएं मिस्टेक होती है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यय मतलब कुछ मात्राएं हम आगे पीछे मिस्टेक करते लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। संधि जिसमें हम शब्द गलत बोल देते हैं, ठीक है, बोला क्या जाता है लिखते हम लोग क्या है। समास में भी इसी तरह है, जो दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार चंद्र बिंदु में भी अंक बिंदु चंद्र बिंदु जो होता है उसका प्रयोग हम लोग सही तरीके से नहीं करते। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसमें? No, बोलो। नो मैम। No, कोई कंफ्यूजन नहीं? इसके एक्सरसाइज कर लोगे आप? जैसे अशुद्ध है आंधी, अंक की बिंदी लगा है, तो क्या होगा आंधी का शुद्ध रूप क्या होगा बताओ? चंद्रबिंदु होगा। चंद्रबिंदु होगा। तो ये वाला क्वेश्चन सर कर लोगे एक्सरसाइज। सना वंशिका, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? बोलो। सना फातिमा, तो समझ में आया? नेक्स्ट चले, संख्या स्टार्ट करें। संख्या जानते हो, ठीक है, थोड़ा सा इसको बता देते हैं। संख्या बताओ क्या जानते हो आप लोग? मैम जिसमें हम लोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति का मैम पता चलता है या किसी समूह का पता चलता है। जिससे किसी जाति समूह का पता चलता हो, ठीक है। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है? वंशिका, हम वंशिका से पूछ रहे हैं। देखो संज्ञा क्या होता है हमारा, कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से जाना जाता हो, ठीक है, जाति समूह भाव का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा कहते हैं, ठीक। यस मैम। जैसे लिखा है कि माली और कुम्हार शब्द व्यक्ति विशेष नाम को व्यक्त करते हैं, तथा जैसे एक सेंटेंस है माली फूल तोड़ता है, तो माली क्या हो गया, एक व्यक्ति का नाम हो गया, ठीक। फूल तोड़ता है वो क्या हो गया, एक वस्तु का नाम हो गया, जो ये संज्ञा के शब्द होते हैं, ठीक। यस मैम। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के तीन तीन भेद होते हैं,
पहला होता है हमारा व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, और लास्ट थर्ड हमारा क्या होता है बताओ? भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें क्या होगा बताओ? किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन जिन संज्ञा शब्दों में से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मनमोहन सिंह लखनऊ, मनमोहन सिंह क्या हो गया, किसी का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लखनऊ किसी जगह का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, हाथी, हिमालय, ये सब क्या है, स्थान और प्राणी के नाम हो गए। क्लियर है, व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो पूछ लो, एक एक करके बता रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की या एक ही जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में तुम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। व्यक्तिवाचक में किसी एक का पर्टिकुलर नाम होता है, नाम होता है, स्थान होता है, जगह का नाम होता है, प्राणी का नाम होता है। ठीक, जातिवाचक में क्या होता है, वो किसी एक समूह को बताता है, किसी एक समूह को बताएगा। ठीक, जैसे जिन शब्दों से किसी एक ही प्रकार की एक ही जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापक अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो इससे क्या पता चल रहा है कि अध्यापक शिक्षिका, शिक्षा के की शिक्षिका है, मेल है कि फीमेल है बताओ? क्या अध्यापक से हम यहाँ पे बता पा रहे हैं कि वो लड़का है कि लड़की है? नहीं बता पा रहे ना। अध्यापक मीन्स क्या है, वो सारे अध्यापक को सूचित कर रहा है, मतलब वहां पे उस क्लास या स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं वो क्या है, जाति का बोध करा रहे हैं। अब इसी तरह है डॉक्टर, अब डॉक्टर से क्या पता चल रहा है कि वो डॉक्टर लेडीज है कि क्या है, जेंट्स है, क्या पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है ना। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि किसी एक जाति, अब पुस्तक, अब हम पुस्तक बोल दिए, बुक बोल दिए, हमें क्या पता है कि हम लैंग्वेज की बुक निकाले कि लिटरेचर की बुक, नहीं पता चल रहा है ना। बुक का मतलब क्या हो गया, वो सारे बुक को इंगित कर रहा है जो वहां पर है। तो इसका मतलब समझ गए, व्यक्तिवाचक जातिवाचक में क्या अंतर है। व्यक्तिवाचक में किसी एक का नाम आपको बोल दिया जाएगा, लखनऊ, मनमोहन सिंह, ये सब क्या है, एक जगह बता दिया गया ना कि कहाँ की बात हो रही है। और जातिवाचक में एक समूह की बात की जा रही है। फिर उसके बाद है भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था आदि का ज्ञान होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है, किसी के गुण भी लेते हैं हम लोग, दोष भी लेते हैं, अवस्था भी लेते हैं, इसमें से भाव होता है। ठीक है, दुख, दुखी होते हैं तो हमें दुख का भाव होता है। तो इसी तरह जो ये भाववाचक संज्ञा, यही को बताया जा रहा है। गुण मीन्स अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, मिठास भी होता है, खट्टास, सुंदरता, तो ये उसकी हमें क्वालिटी बताई जा रही है यहाँ पे। अवस्था मीन्स बाल अवस्था, ये भाव भी तो है ना, ये बच्चा छोटा है तो वो बाल अवस्था में है, ये एक तरीके से व्यवहार भाव को व्यक्त कर रहा है ना। अमीरी गरीबी, ये महसूस होती है ना कि हम गरीब हैं या हम अमीर हैं, ये महसूस किया जा रहा है ना, ना कि किसी व्यक्ति या जाति का बोध करा रहा है। तो भाववाचक समझ में आ गया, जिसमें मन के भाव को व्यक्त किया जाता है। मन के भाव हो गए, समय हो गया, ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, बोलो। Yes, Yes, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? पीयूष, वंशिका, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो आगे है भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी,
इसमें होगा जातिवाचक संज्ञा, क्रिया, अव्यय, सर्वनाम, विशेषण। जैसे पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे जातिवाचक हमारी संज्ञा हो गई शिक्षक, बात सुन लो पहले फिर बात करना, ठीक है। जातिवाचक हमारी संज्ञा क्या हो गई, शिक्षक एक जाति का बोध करा रहा है। उसमें भाव क्या है, शिक्षा, हमें शिक्षक से क्या प्राप्त हो रहा है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारे क्या हो गई, शिक्षा। तो ये जो बदला रूप है वो हमारे भाव को तो व्यक्त कर रहा है ना, हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या इसमें जाति व्यक्तिवाचक कुछ पता चल रहा है, तो ये हमारा भाव हो गया जिसमें हम किसी चीज को बदल रहे हैं, ठीक। इसी तरह आप लोग जैसे दानव, दानव राक्षस को कहा जाता है, ठीक, दानवता, इसमें भाव हो गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे सर्व, सर्व क्या है, सर्वनाम, सर्वस क्या है, भाववाचक संज्ञा। अहम, अहम हमारा क्या है, सर्वनाम है। अहंकार हमारा क्या है, भाववाचक। फिर है विशेषण से भाववाचक बनाना। विशेषण मतलब गुण, किसी चीज की विशेषता जो बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे मीठा, मीठा क्या है, एक विशेषण ही तो है ना कि मीठा, बताए जरा वो मीठा है। और मिठास क्या हो गया हमारा, भाववाचक। समझ में आ रहा है शबीर, मिठास हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। फिर है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया मीन्स किसी कार्य को जब हम करते हैं। पढ़ना, पढ़ना हमारी क्या है, हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारी क्या हो रही है, क्रिया। पढ़ाई क्या है, भाववाचक है, ठीक। सुनना, हम किसी चीज को, बात को सुन रहे तो कार्य कर रहे हैं ना, कि हम बोल रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, एक तरीके से कार्य कर रहे हो ना। और सुनाई देना, वो हमारा हो गया भाववाचक। फिर नेक्स्ट है हमारा अव्यय से भाववाचक बनाना, ठीक। ऊपर, ऊपर हमारा क्या हो गया, अव्यय। और ऊपरी सतह या ऊपरी हम लोग क्या करते हैं, भाववाचक, ठीक। जैसे निकट, अव्यय हो गया हमारा निकट, और निकटता हमारी क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। तो समझ में आ गया ये चैप्टर संज्ञा वाला, बोलो। यस मैम। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कर लोगे, क्वेश्चन आंसर है, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, बता चुके हैं। यस मैम। यस मैम। फिर उसके बाद संज्ञा के भेद हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है पीछे दिया गया है, फिर सबकी परिभाषा लिखना है, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक की। फिर उसके बाद चित्र देख के आप लोगों को पहचानना है कि वो क्या है, कौन सी संज्ञा है, और फिर क्रिया के आधार पर भाववाचक में बदलना है, ठीक। हो जाएगा ये एक्सरसाइज पूरी, बोलो। फोर्थ फिफ्थ चैप्टर समझ में आ गया आप लोगों को, चलो तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना, ठीक। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी चैप्टर में अब तक जितना पढ़ाए हैं, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से हम लोग सिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक। थैंक यू। ठीक मैम।